देश के करीब 600 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि कुछ लोग देश की न्यायपालिका पर अपने राजनीतिक एजेंडा को चलाने के लिए लांछन लगाने लगे। भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे की अगुवाई में देश के 600 वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को यह पत्र लिखा है। इस पत्र का मजमून क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। इस पत्र में वकीलों ने न्यायपालिका पर लगाए जा रहे आरोपों के अलावा विशेषकर राजनेताओं से जुड़े मामलों में जजों पर भी गलत आरोप लगाने का मुद्दा उठाया है। ये पत्र 26 मार्च 2024 का है, यानी आज से करीब 2 दिन पहले का। जैसा कि हमने आपको बताया कि पत्र देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लिखा गया है। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया ये पत्र 4 पन्नों का है, जिसमें 100 वकीलों ने हस्ताक्षर किए, लेकिन इसको 600 वकीलों की सहमति माना गया है। पत्र का जो विषय है उसमें ही इस पत्र का सार भी छिपा हुआ है। विषय है डर के साए में न्यायपालिका, न्यायपालिका को राजनीतिक और व्यवसायिक दबाव से बचाना। मतलब यह है कि इस पत्र में मुख्य तौर पर यही कहा गया है कि न्यायपालिका पर राजनीतिक और व्यवसायिक दबाव बनाया जाने लगा है, जिससे न्यायपालिका डर के साए में आ गई है। अब हम आपको इस पत्र की कुछ मुख्य बातें बता दें। ये एक तरह की शिकायतें हैं जो वकीलों ने CJI से की है। वकीलों ने अपने पत्र के माध्यम से बताया है कि कुछ ताकतवर संगठन न्यायपालिका पर दबाव डालते हैं, न्यायपालिका के कामकाज पर प्रभाव डाला जाता है, राजनीतिक एजेंडा के लिए न्यायपालिका को बदनाम किया जा रहा है, राजनेताओं से जुड़े मामलों में इस तरह का दबाव ज्यादा बनाया जाता है, खासकर ऐसे मामलों में जिसमें किसी राजनेता पर भ्रष्टाचार का आरोप हो। कुछ संगठन जनता के बीच मनगढ़ंत और झूठी कहानियां बना रहे हैं। वो ये झूठ फैला रहे हैं कि पुराने समय में कोर्ट अच्छा काम करती थी और वही न्यायपालिका का गोल्डन पीरियड था। कुछ वकील दिन में राजनेताओं के पक्ष में केस लड़ते हैं, फिर शाम को उसी नेता के पक्ष में टीवी डिबेट में बैठकर जजों पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो न्यायपालिका में जजों की बेंच फिक्सिंग जैसी मनगढ़ंत परिकल्पना बना रहे हैं। ये न्यायपालिका के लिए अपमानजनक है। कुछ ताकतवर लोग भारत की न्यायपालिका की तुलना जानबूझकर ऐसे देशों से करते हैं जहां नियम कानून नहीं है। इससे जनता के बीच न्यायपालिका को लेकर भरोसा कम होता है। जो एक माहौल डेवलप हुआ है, कुछ हमारे एडवोकेट भाई जो उनको जब रिलीफ मिल जाए तो तब ये कहना कि ये कोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, और जब उनको रिलीफ ना मिले तब इस तरीके से कहना कि गंदे तरीके से कर रही हैं, कोई प्रेशर है, किसी के दबाव में कर रही हैं, विक्टिमाइजेशन हो रहा है, ये इस तरीके की बात करना हमारा जो जुडिशरी को कमज़ोर करना है। भारत की जनता का विश्वास हमारी जुडिशरी पर है। जो शिकायत देश के वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश से की है वो कई मामलों में सही है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग सक्रिय राजनीति में हैं, वो इसके साथ साथ अपनी वकालत भी चलाते हैं। आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें राजनीतिक रूप से सक्रिय वकील उस नेता का केस लड़ता है जिसका वो राजनीतिक विरोधी भी है। वकालत के व्यवसाय में प्रोफेशनलिज्म के नाम पर यह किया जाता है, इसमें गलत कुछ नहीं है। सवाल यह है कि क्या ऐसे व्यक्ति से न्याय की अपेक्षा की जा सकती है जो कोर्ट में अपने राजनीतिक विरोधी के पक्ष में बोल रहा है, फिर उसी व्यक्ति का राजनीतिक विरोध भी कर रहा है। मान लीजिए किसी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, एक व्यक्ति जो उस नेता की विपक्षी पार्टी में है वो जनता से भ्रष्टाचार के आरोपों के पक्ष में बोल रहा है और कोर्ट के अंदर आते ही आरोपों के विरोध में बोलने लगता है, तो सच क्या है? उस व्यक्ति की विचारधारा क्या है जो राजनीतिक रूप से तो विरोध में है लेकिन व्यवसायिक रूप से पक्ष में? इसी तरह से कोर्ट पर उंगली उठाना, जजों के विरोध में बोलना, कोर्ट के फैसलों के विरोध में ये कहना कि कोर्ट में फिक्सिंग हो गई, क्या ये सही है? न्यायपालिका पर लोगों को भरोसा है और कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए गलत आरोप लगाकर लोगों का भरोसा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी चिंता को लेकर यह पत्र लिखा गया था।